नमस्कार, मैं राजकुमार चौहान, टेक वन। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू अखनूर रोड की, जिसका काम दो प्रोजेक्ट में, एक तो फ्लाईओवर और दूसरा फोर लाइन का, कई सालों से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट 5100 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस विषय में हमारी पहले भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये प्रोजेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, मगर धीमी गति से चल रहे इस काम की अभी तक रफ्तार नहीं हुई। कोशिश करेंगे हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करने की। इसके बारे में पहले भी चैनल के थ्रू बातचीत हो चुकी थी, यहाँ पे हमने काफ़ी यहाँ पे देखा कि ये दिन ब दिन जो लेट होता जा रहा है, तो हमने पेपरों में पढ़ा और न्यूज़ में भी आया था कि ये जो फ्लाईओवर जो बन रहा है यहाँ पे, जो जीवल से लेके जो मुठ्ठी तक जो बन रहा है, ये 2021 में दिसंबर के महीने ये कंप्लीट हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। कारण क्या है ये हम बता नहीं सकते आपको। ये मुझे लगता है भलीभांति वही जानते होंगे जो लोग इसके साथ कंसर्न है, जहाँ गवर्नमेंट जो है इसके साथ जो लगी हुई है, जो इसको देख रही है यहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़कों की खुदाई हुई है, यहाँ पे जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए, यहाँ पे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी है। जहाँ पे साथ लगते दो ट्रैक हैं यहाँ पे हमारे सैरगाह के, पर उस ट्रैक में हमने देखा इतना गंद पड़ा हुआ, यहाँ पे इतनी डस्ट है कि आम बंदा जो है वो सांस भी नहीं ले सकता। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, जो हमारे LG हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और साथ में जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट जो हैं, जो फ्लाईओवर को मेंटेन कर रहे हैं या सड़क को मेंटेन कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करें ताकि लोगों को इसमें निजात मिले। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ट्रैक काफ़ी छोटा हो गया और इस सड़क भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और हम अच्छे से वॉक नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह डस्ट एंड मिट्टी के ढेर है। जैसे फ्लाईओवर का काम कई सालों से चल रहा है और हमने दिसंबर में न्यूज़ पेपर में पढ़ा था कि ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक कंप्लीट ना, इसकी वजह से जो पास में घर है उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है और डस्ट की वजह से सबको ही प्रॉब्लम होती है। तो जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो और हम जो ट्रैक है वो अच्छे से यूज़ कर पाए वॉक करने के लिए। फ्लाईओवर तो काफ़ी देर से काम चल रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। सैरगाह में आने जाने सैरगाह करने में बहुत तकलीफ होती है, तो देखो अभी क्या बहुत पीछे से पीछे देखो कहीं का वो सारा टूटा हुआ है। वो बहुत मुश्किल से बुजुर्ग आदमी का बहुत मुश्किल से सैल करने की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसको कंप्लीट करके उसके बाद देखिए इसको पूरा कंप्लीट होगा, पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। तो क्या डिमांड करते हैं सरकार? हम यही सरकार से डिमांड करते हैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें और सैरगाह का कोई ना कोई हल मसला निकालें, तो सैरगाह भी कंप्लीट होनी चाहिए। इस विषय में आज हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर M. रितेन कुमार सिंह हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे क्या वजह रही ये प्रोजेक्ट इतना लेट क्यों रहा। सर क्या कहेंगे, ये जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है जम्मू अखनूर का, काफ़ी डिले हो गया है, तो क्या वजह है इसमें? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जम्मू अखनूर जो अभी जो काम चल रहा है दो पैकेज में चल रहा है। एक तो फ्लाईओवर वाला प्रोजेक्ट जो कैनल हेड से लेकर गणेश बिहार तक है, यानी मुठ्ठी तक, उसके बाद मुठ्ठी के आगे जो है, उसके बाद जो है मुठ्ठी से छाठी चौक तक जो फोर लेन हो रहा है, ये दो काम है। ये पहले वाला काम जो है उसमें अभी प्रोग्रेस इज अराउंड 85%, और सेकेंड वाला जो काम है जो फोर लेनिंग वाला जो काम है उसमें प्रोग्रेस इज अराउंड 45%। इस प्रोजेक्ट में शुरू से प्रॉब्लम रहा है क्योंकि लैंड एक्विजिशन में डिले हुआ था, उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज में प्रॉब्लम था, तो नाउ अभी जो है सब कुछ ट्रैक में आ गया है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी उसको ये ख़त्म करें। अभी जो है पहले जो जम्मू अखनूर पैकेज 2 जो था, फ्लाईओवर जो था, हमने एम किया था अप टू दिसंबर 2021 तक ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक मेन प्रॉब्लम जो पैकेज 2 का डिले जो है हमारे यहाँ की, जो इलेक्ट्रिक लाइन शिफ्टिंग होता है, तो इलेक्ट्रिकल लाइन शिफ्टिंग में 132 KVA जो शिफ्टिंग है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, जो लाइन शिफ्टिंग था, उसमें काफ़ी डिले हुआ है।
उसमें दिसंबर महीने में ही ख़त्म हुआ। और फ्लाईओवर ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो आई प्रेज द कॉन्ट्रैक्टर कि यहाँ पे एसपी सिंगला ने फ्लाईओवर बनाते वक्त कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इवन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन इट्सेल्फ इज़ रिस्क, वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। बट इन दिस केस, हमारे केस में कॉन्ट्रैक्टर को प्रेज करना पड़ेगा बिकॉज रोड सेफ्टी मेजर्स उसने लिया। देयर हैव बीन जीरो इंसिडेंट्स ऑफ एनी एक्सीडेंट इन द फ्लाईओवर प्रोजेक्ट। तो कम से कम हमको जमीन, वो जो शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी जो 132 KVA के बाद, कम से कम हमको 4 महीने का तो चाहिए फ्लाईओवर बनाने के लिए जी। तो कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर ने मैंने EOT मई तक अप्लाई किया है, तो हमने बोला है कि कम से कम जो फ्लाईओवर पोर्शन है उसको आप मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो इसी वे में हम लोग जा रहे हैं, होपफुली ये हो जाएगा। वंस द फ्लाईओवर इज़ बिल्ट, बाकी प्रोजेक्ट जो है सर्विस रोड, ड्रेन, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो लेकिन मेरा ये अपील है कॉन्ट्रैक्टर से कि उसको मार्च तक ट्राई ख़त्म करने की ट्राई करें। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं करेंगे, कोशिश करेंगे, बट मे बी विल टेक सम मोर टाइम। और रिगार्डिंग जम्मू अखनूर जो 4 लेनिंग है, यस, उसमें मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्टर का डिले है। कॉन्ट्रैक्टर जैसा हम चाह रहे कि वैसे परफॉर्म कर, वैसा नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्टर। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारा एक्शन ले लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फाइन लगाया, 25 लाख का फाइन लगाया गया था थर्मेट के ऊपर। फिर कॉन्ट्रैक्टर को नेगेटिव लिस्ट में फिर डाला गया। अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको क्योर नोटिस फिर दिया हुआ है। तो इसमें भी हमारे ये उम्मीद है कि मई 2022 तक ये काम ख़त्म हो जाएगा। सो जम्मू अखनूर जो है हमारा कैनल है से लेकर जो ठाठी चौक तक, हमारा टारगेट और कंप्लीशन है मई 2022। यानी जो कंपनी जिसको फाइन किया कोई, हाँ, जैसे कोई डिफॉल्टर हो गया, हाँ, क्या उसी कंपनी को दोबारा काम दिया जाता है या वो ब्लैक लिस्ट? नो, जो कंपनी जिसको फाइन लगाया जाता है, जो नेगेटिव लिस्ट में है, वो किसी काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्लाई नहीं कर सकते। इवन स्टेट PW के काम में भी अलाउ ये करना नहीं है, अलाउ नहीं है। जब तक वो काम कंप्लीट ना करे उसको नेगेटिव लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। तो टर्मेट जो है कॉन्ट्रैक्टर, ही इज़ नॉट एबल टू एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी ऑफ द, चाहे NHAI का प्रोजेक्ट हो, चाहे NHAI प्रोजेक्ट है, चाहे PW का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसमें नहीं है। तो इसको प्रेशर दे रहे हैं हम लोग कि ये कीजिए, और अगर दिक्कत होता है देन विल टेक फर्दर एक्शन। ये थे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिन्होंने बताया मार्च तक फ्लाईओवर का काम तकरीबन पूरा हो जाएगा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।